इसमें शुमार करते हैं कि हैंडीकैप जो है ना उनको हमने बूस्ट अप करना है, हमने उनको रेडिक्यूल नहीं करना है, उनका मजाक नहीं उड़ाना है, किसी भी तौर पर उनको इनक्रेज करना है। तो इसी लिहाज से मैं इनकी बहुत ज़्यादा जो काविश है, कोशिश है, उसको अप्रिशिएट करता हूँ कि शाहिद राणा पे जिस तरह इन्होंने एक शॉर्ट फिल्म बनाई है वो एक बहुत बड़ा काम है। और जहाँ तक ताल्लुक है शाहिद राणा का, वो एक ऐसा क्रेजस हैंडीकैप लड़का बंदा है, अब तो लड़के की सबसे निकल गया वो, लेकिन सारी ज़िंदगी उसने मेहनत और बहुत ही जुरत के साथ हैंडीकैप होने के हवाले से उसने अपनी फीलिंग्स में कभी इस चीज़ को लाने नहीं दिया, काम करता रहा। जो भी काम मिला, फिल्मों में काम उसने किया, ड्रामों में काम उसने किया, बहुत सारे थिएटर पे काम उसने किया, स्टेज पे काम उसने किया। और आज वजह ये है कि उस हैंडीकैप होने के बावजूद वो कराची में तो खैर इतना पॉपुलर है कि हर फर्द उसको जानता है, न सिर्फ कराची में बल्कि आप कराची से बाहर पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भी उसका जिक्र करें, शोबिज़ के हवाले से लोग उसको जानते हैं। मैं हैंडीकैप्स का जिक्र करूँगा तो आप की ऑब्जर्वेशन में एक हैरान कन चीज़ आनी चाहिए, शाहिद राणा के जैसे जितने हैंडीकैप्ड हैं आपने कभी उनको सड़कों पे भीख मांगते नहीं देखा होगा। ये एक करेजस बात है उन हैंडीकैप्स की जो ये डेफिशिएंसी को कवर किया है उन्होंने। और उसके बजाय आप ये देखिए, जो चारों हाथ पैर से चलने वाले जो मेहनत मजदूरी कर सकते हैं वो आपको सड़कों पे भीख मांगते नजर आएंगे। ये एक कामचोरी और काहिली उनकी और इजी मनी टेकिंग है। बट ये जितने भी हैंडीकैप्स हैं, ये शाहिद राणा के हवाले से मैं जो कहूँगा, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, मैंने दुनिया भर में इन लोगों को हमेशा ये देखा है कि कोई ना कोई मेहनत करते नज़र आते हैं। आज सुबह भी मैंने एक बंदे को देखा, लेकिन वो भी किसी काम में मसरूफ था। मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि अब वो इस तौर पे उसको लिया गया है और उन्होंने भरत ने उस पर डॉक्यूमेंट्री बनाई है। खुदा करे वो अपने इस उसमें कामयाब रहें, और उन्होंने अपना एक फ़र्ज़ और एक हक अदा किया है कि हैंडीकैप को उजागर करने के लिए, उनको इन्हेंसमेंट देने के लिए, उनको करेज देने के लिए ये इकदाम किया है और शाहिद राणा पे ये डॉक्यूमेंट्री बनाई है।